नमस्कार दोस्तों, मैं ही यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 742वां एपिसोड। आज 11 सितंबर की तारीख हो गई है और रोज की तरह आज भी आईपीएल, टी20 वर्ल्ड कप और मिनी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों फटाफट, क्योंकि दिन भर की सारी खबरें पिछले 24 घंटों में क्रिकेट की दुनिया में जो भी हुआ है सबको सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं। लाइक और शेयर तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज दिनभर की पहली बड़ी खबर के हवाले से, तो विराट कोहली ने अपनी चाइल्डहुड की एक पिक्चर शेयर की है। कल ये पिक्चर उन्होंने शेयर की, पंजाबी में उन्होंने लिखा कि खाओ पियो ऐश करो मस्त रहो। दरअसल दोस्तों हुआ यह है कि जब से विराट कोहली ने ये शतक लगाया है उसके बाद से रिपोर्ट्स ये बोल रही हैं सोर्सेस कि विराट कोहली अच्छा महसूस कर रहे हैं मेंटली, और उसके बाद उन्होंने अपनी ये चाइल्डहुड की ये तस्वीर शेयर की। और देखो यार, विराट कोहली मेंटली स्ट्रांग होंगे तो फिजिकली तो स्ट्रांग है ही, और इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन विराट लेकर आएंगे भारत को बड़ा फायदा होगा टी20 वर्ल्ड कप में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिनभर की दूसरी बड़ी खबर की। 500 प्लेयर रजिस्टर्ड हुए, जी हां 500 से ज्यादा प्लेयर साउथ अफ्रीका 20 लीग, ऐसे 20 लीग के लिए रजिस्टर्ड हुए, जिसे मिनी आईपीएल भी कहा जा रहा है। आपको बता दूं कि इसमें उन्मुक्त चंद का इकलौते भारतीय का नाम है, और सुरेश रैना का नाम जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा उस पर भी आगे बात करेंगे, क्योंकि कुछ नियमों का पेस फंस गया है। बट यार टोटल 530 प्लेयर है, जिसमें 250 प्लेयर साउथ अफ्रीका के, और अब विश्वास नहीं करेंगे 100 प्लेयर इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड ने तो बाजी मान ली भैया, इतने प्लेयर इंग्लैंड भेज रहा है, पहले भेजता नहीं था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऐसा क्यों कर रहा है इंग्लैंड, कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं, तो यार भैया हमारे दोस्त थे, हमारे सब्सक्राइबर थे, हमारे भाई थे दुर्योधन साहू। कल उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा था, उन्होंने पूछा था विल अय्यर बी देयर इन द प्लेइंग 11 इन टी20 वर्ल्ड कप, क्या भारत की टी20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर को जगह मिलेगी। दुर्योधन भाई देखो बहुत अच्छा सवाल है, और साहू जी आपके सवाल का जवाब दे देता हूं, नहीं साहू जी इसका रीजन भी आपको बता देता हूं। हो ये रहा है कि भारत के जो चार प्रॉपर बैट्समैन है वो चारों एक अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, और इस समय उस विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ स्पेशली बैटिंग में शायद सेलेक्टर्स छेड़छाड़ करेंगे नहीं, क्योंकि एशिया कप में भारत की बल्लेबाजी ने उतना परेशान नहीं किया जितना गेंदबाजों ने किया। तो जाहिर है कि अय्यर की शायद वो आउटसाइड चांसेस जो थे वो शायद खत्म हुए हैं, और दुर्योधन साहू जी मुझे नहीं लगता कि मौका मिलेगा। साहू जी के सवाल का जवाब था कि अय्यर नहीं आएंगे, आपके सवाल का जवाब कल दे देंगे, आप सवाल पूछ लो कमेंट बॉक्स में, कल हमारी वीडियोस का हिस्सा बन जाना, आपका नाम पुकार देंगे, सवाल का जवाब दे देंगे। तो करना कुछ नहीं, कमेंट बॉक्स में तो सवाल पूछो। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं, भैया एरन फिंच ने ले लिया है ओडीआई से रिटायरमेंट, और ओडीआई क्रिकेट में अब एरन फिंच खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, और विराट कोहली भी भावुक हो गए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जब एरन फिंच ने इस बात की घोषणा की कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं तो एक भावुक कमेंट विराट कोहली ने भी किया और लिखा कि फिंची आपके साथ खेलकर, स्पेशली आईपीएल में आपके साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। तो यार ये बताता है कि शायद पीछे कहने कही फिंच और विराट के बीच कुछ पकड़ा है, और आरसीबी से ही वो संबंधित है। पांचवी बड़ी खबर की दोस्तों आज बात कर लेते हैं, तो मैं करने वाला हूँ श्रीलंका को सपोर्ट, पाकिस्तान के खिलाफ आज बड़ा मैच होगा, एशिया कप का फाइनल आज होगा, और जिस मैच की उम्मीद थी कि ये इंडिया पाकिस्तान होगा, भैया देखो इंडिया का रोल लंका निभाएगी। देखो यार मैं श्रीलंका को क्यों सपोर्ट करूं, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार तुम क्या पागल हो गए हो, क्यों तुम इंडिया नहीं जीती तो क्या आप श्रीलंका को करोगे, इतनी क्या नफरत है पाकिस्तान के साथ। तो यार देखो नफरत वफरत कोई नहीं है, और इस वक्त जेन्युइनली बता रहा हूं एक अच्छी श्रीलंका की जरूरत है उस पूरी दुनिया की क्रिकेट को, क्योंकि एशिया में जो कुछ टीमें हैं उसमें से श्रीलंका थी पिछले 5 सालों से बहुत खराब हुई, श्रीलंका जिम्बाब्वे से भी खराब हो गई, बट अब ऐसा दिखा है इस टीम में कि हमें वो पुरानी श्रीलंका की याद इन लोगों ने दिला दी है। और यार आप खुद ही सोचो यार वो श्रीलंका होती तो क्या मैचों में मजा आता। तो यार इसीलिए अच्छी श्रीलंका की वापसी चाहते हैं हम, इसीलिए हम तो चाहते हैं एशिया कप श्रीलंका जीते, आप क्या चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में बता दो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिनभर की छठवीं बड़ी खबर की, तो यार छठवीं बड़ी खबर यह है कि सुरेश रैना का नाम अभी तक ऐसे 20 लीग में इंक्लूड नहीं किया गया है। 19 सितंबर को मिनी आईपीएल ऐसे 20 लीग की नीलामी की प्रोसेस होने वाली है, और इस प्रोसेस से पहले सुरेश रैना ने अभी अभी रिसेंटली रिटायरमेंट लिया, बट अभी तक उनका नाम एक्सपेक्टेड लिस्ट में नहीं है। उन्मुक्त चंद का ही सिर्फ इकलौते इंडियंस का नाम है। रिपोर्ट्स ये बोल रही हैं कि सुरेश रैना इस लीग में जाकर खेलना चाहते हैं, लेकिन अगर इस नीलामी की लिस्ट में रैना का नाम नहीं जुड़ा तो प्रैक्टिकली और जाहिर है लीगली भी वो वहां पर खेल नहीं पाएंगे। तो देखते हैं अब इस पर आगे क्या मोड़ लेती है परिस्थितियां, अभी तक रैना का नाम नहीं है इस लीग में,
कल थी खबर कि उनका नाम जोड़ा जाएगा, अब तक जोड़ा नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की नई जर्सी के साथ। दरअसल दोस्तों फाफ डुप्लेसिस मिनी आईपीएल में सीएसके की कप्तानी करेंगे। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर सीएसके का लोगो भी देख पा रहे होंगे, जो कि नॉर्मल चेन्नई सुपर किंग्स के लोगो जैसा ही है। जोबर्ग सुपर किंग्स का जो लोगो आप देख रहे हैं वो ऑरेंज कलर का है, जिसमें ग्रीन कलर का भी इस्तेमाल हुआ है। नॉर्मल जो सीएसके का लोगो होता है वो येलो कलर का होता है, जिसमें ब्लू कलर का इस्तेमाल होता है। और इसी के मद्देनजर जो चेन्नई सुपर किंग्स की जो जोबर्ग वाली टीम है, मतलब जेएसके, मतलब जो जोबर्ग सुपर किंग्स है जो कि मिनी आईपीएल में खेलेगी, उसकी जर्सी ऑरेंज कलर की हो सकती है, जिसमें ब्लू की जगह ग्रीन स्ट्रीप हो सकती है। तो अभी की परिस्थिति में आप अपनी स्क्रीन पर चेन्नई सुपर किंग्स की वो ऑरेंज जर्सी भी देख पा रहे होंगे, जिसका इस्तेमाल ये लोग मिनी आईपीएल में करते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल लगभग हर टीम ही ये करने वाली है कि वो अपनी जैसी जर्सी आईपीएल में है उसी का एक प्रारूप मिनी आईपीएल में उतारेंगे, ताकि वहां पर एक मिनी आईपीएल का मजा तो बने। और इसी को लेकर ये ऑरेंज जर्सी चेन्नई सुपर किंग्स के जोबर्ग वाली टीम की, जेएसके की जोबर्ग सुपर किंग्स की हमने आपको बताई। देखिएगा जरूर, इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा और मिनी आईपीएल के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की। तो यार कल तो हद हो गई, परसों हद हो गई, माफ कीजिए, विराट कोहली ने शतक मारा, 71वां शतक था। बहुत खुश हुआ पूरा देश, विराट ने 2019 के बाद ये शतक मारा था। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स वाले बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि इतिहास में पहली बार विराट के शतक पर चार ट्वीट बैक टू बैक सीएसके वालों ने कर दिए। इन चारों ट्वीट्स में अलग अलग फोटोज थी, जिसमें तमिल में बहुत सारी शुभकामनाएं विराट कोहली को दी गई। हालांकि उसके बाद फैंस ट्विटर पर ये बोलने लगे कि यार क्या वापसी हो रही, क्या मतलब वापसी बोल रहा हूं, सॉरी, क्या विराट कोहली के चेन्नई में जा रहे हैं? हालांकि ऐसा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नौवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। सबा करीम, जो कि पूर्व भारत के सेलेक्टर भी रहे, टीम की मैनेजमेंट का भी हिस्सा रहे, टीम के कोचिंग डिपार्टमेंट का भी हिस्सा रहे, उन्होंने राहुल द्रविड़ को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा राहुल द्रविड़ के लिए ये क्रंच टाइम है, शुरुआती समय राहुल द्रविड़ का खत्म हो चुका है। सबा करीम ने यह कहा कि राहुल द्रविड़ का हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है और अब उनका टेस्ट टाइम है। अब जो स्क्वाड सेलेक्ट होगी, अब जो वर्ल्ड कप में होगा, क्योंकि एशिया कप में जो होना था वो हो गया, वो बताएगा कि हमारे देश की क्रिकेट किस तरफ जा रही है। तो यार क्या आप सबा करीम की बात से सहमत है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं दसवीं बड़ी खबर की, दसवीं बड़ी रिपोर्ट की आपसे बात करते हैं। तो यार संदीप लामी शाह ने, ग्रेट नेपाली क्रिकेटर, दिल्ली की टीम में खेले, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। नेपाल में अरेस्ट वारंट इनके खिलाफ जारी हुआ, जिसमें ये कहा गया कि इनको अभी के अभी रेप केस में अक्यूज्ड बताया गया और अरेस्ट करने की बात सामने आई है। ये शायद अब तक की सबसे बड़ी क्रिकेट खबर है क्रिकेट जगत की, अगर हम बात करें तो। तो ये थी भैया दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बाकी यार देखो, आज साहू जी के सवाल का जवाब दे दिया, तो आज दुर्योधन साहू हमारी वीडियो का हिस्सा बन गए। कल आप बन जाना, नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछो, कल आपके सवाल का जवाब दे देंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर, नीचे बटन, माफ कीजिए, नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।